द्वारा पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके लिए नगर निगम की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। वहीं नियुक्त किए गए वार्ड कमेटी के ट्रेनर और बच्चे भी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पर्वतीय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई गई और सफाई अभियान को लेकर जहां लोगों को समझाया गया, वहीं अवैध मीट शॉप और डेयरी संचालकों के चालान काटे गए जो पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वार्ड नंबर 5 में नगर निगम द्वारा मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहां सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड को साफ सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं नगर निगम अधिकारियों द्वारा मीट शॉप और डेयरी संचालकों के चालान काटे गए जो पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बह रही है। यही नहीं, किए गए अतिक्रमण को भी जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया गया है। ड्यूटी पर तैनात एसडीओ विनोद गुप्ता और नगर निगम के एएसआई सुशील कुमार ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर के आदेश पूरे शहर में मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो इसी तर्ज पर आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ लोगों को समझाया जा रहा है कि लोग गीला और सूखा कूड़ा डस्टबिन में अलग अलग रखें और नगर निगम द्वारा लगाई गई इको ग्रीन की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ही कूड़ा डाले, नहीं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए लोग खुद ही इस अभियान में अपना सहयोग दें और अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। ये हमारे माननीय कमिश्नर श्री एसपाल यादव जी के कहने से ड्राइव चली है। इसमें जो डेयरियाँ अपना गोबर नाली में बहाती हैं या सीवर में बहाती हैं, उनका चालान किया जा रहा है और सफाई कर्मचारी के माध्यम से सारी रोडों को साफ किया जा रहा है। जिन बंदों ने इनक्रोचमेंट की हुई है उनकी इनक्रोचमेंट हटाई जा रही है और उन्हें अवेयर भी किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की जा रही है। जिन बंदों ने अपने यानी कि मकान या दुकान के आगे जो भी कब्जा किया हुआ उसे हटा लें, अन्यथा नगर निगम उसे हटाएगा। इस प्रकार की अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों को पानी के और सीवर के कनेक्शन वैध कराने के लिए अवेयर किया जा रहा है। उनको प्रॉपर्टी टैक्स या अपनी शॉप्स के लाइसेंस के बारे में अवेयर किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को एक साथ ये एक मुहिम है, कंबाइंड मुहिम है जिसे चलाया जा रहा है। सुशील कुमार, एएसआई। देखो, ये जो सफाई मेगा सफाई अभियान फरीदाबाद शहर में चला है, फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी के देख रेख में चल रहा है और शहर को साफ करने का उन्होंने जो मुहिम चलाया है, इसका अभी कब तक चलेगा ये दिन तय नहीं है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। साप्ताहिक की ये सामूहिक जो है सफाई अभियान चलेगा, जो हर शुक्रवार और शनिवार को हर वार्ड में अपने हिसाब से वार्ड बाई ड्राइव रखेंगे और शहर को साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ शहर की जनता से भी ये अपील करेंगे कि वो इस सफाई अभियान में नगर निगम का पूरा सहयोग करें और साथ दें, ताकि आप अपने शहर को एक स्वच्छ और बढ़िया बना सकें। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो मेगा सफाई अभियान शहर में चलाया जा रहा है, इसमें अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि ये सफाई अभियान ना कि सिर्फ नगर निगम का है जबकि इस पूरे शहर के लिए सफाई अभियान है। इसमें सभी अपनी भागीदारी रखें और जन सहयोग से ही शहर साफ बनेगा। मैं यही सबसे प्रार्थना और उम्मीद करता हूँ कि इस सफाई अभियान में सब अपना सहयोग दें। वार्ड कमेटी की ट्रेनर प्रोमिला ने बताया कि स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत मेगा ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखना, ताकि गीले कचरे से खाद का उत्पादन किया जा सके और सूखे कूड़े को कचरा प्रबंधन के तहत ठिकाने लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस ड्राइव में तानिया बच्चे भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि बच्चों की बात सुनकर लोग अवश्य जागरूक हों। वहीं एक छोटे बच्चे ने बताया कि लोग यह नहीं देख रहे हैं कि उनका शहर गंदा हो रहा है। इस बच्चे द्वारा बड़ी ही भावनात्मक अपील लोगों से की गई। मेरा नाम प्रोमिला है, मैं वार्ड नंबर 5 में वार्ड कमेटी में एज अ ट्रेनर हूँ और अभी यहाँ पे एक फरीदाबाद बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत हम लोगों मेगा ड्राइव कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 में और इसमें लोगों को गीला और सूखा कचरे के बारे में अलग अलग रखने के बारे में समझा रहे हैं उन्हें, ताकि भविष्य में जब भी कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो लोग अपने सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग कर पाएँ, ताकि सूखे कचरे को अलग करके उसको वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसका सही इस्तेमाल किया जा सके और गीले कचरे को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारे स्पेशल मास्टर ट्रेनर्स हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम जो अपने एरिया में पहले शुरुआत अपने आप से करेंगे कि भाई किस तरह से स्वच्छता को हम, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसको अभियान को तेज़ करने के लिए हम मोटिवेशन के लिए इन बच्चों को साथ लेके चले, ताकि लोग हमसे कुछ सीखें। और इसके लिए हमने वेस्ट मैनेजमेंट का सारा जो है ट्रेनिंग ली हुई है और
साथ में हम लोगों को अवेयर करते हुए जाएंगे कि अपने दुकान के आगे या मकान के आगे कचरा ना करें, क्योंकि आगे फाइन उन्हें देना पड़ सकता है। हमारा नगर निगम जो है पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका है, ताकि जो है सख्ती के साथ हम लोग भी अपने कूड़े का सही से प्रबंधन कर सकें। ये लोग हम ये इतना भी नहीं देखते कि हमारा शहर इससे गंदा होता है, तो आज हम यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में सबको बता रहे हैं कि आप सूखा कचरा अलग रखें और गीला कचरा अलग रखें। वो जब ही हम अपने घर से निकलते हैं तो बोलते हैं कितना ये गंदा शहर हो रखा है, वो ये नहीं सोचते कि ये हमने ही करा है। तो फिर मैं उनके ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि वो अपना सूखा कचरा अलग रखे, गीला कचरा अलग। तो अभी मेरा नाम जर्मा थुर, मैं वार्ड नंबर 5 से, और हम सब आज सफाई अभियान चला रहे हैं। वही डेयरी संचालक शील कुमार ने बताया कि मैं अपनी डेयरी का गोबर नालियों में नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी नाजायज तरीके से अधिकारी मेरा चालान काटने की बात कह रही, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर यह अच्छा अभियान, लेकिन इस अभियान के तहत शरीफ लोगों के साथ भी नाजायज किया जा रहा है। मेरा नाम शील कुमार जी, ये नहीं पता मेरे को जी चालान बोल रहे हैं तुम्हारा काट दिया है, जबकि मेरा गोबर ट्रैक्टर ट्राली वाला सुबह लेके जाता है, मैं गोबर नाली में नहीं फेंकता। वो कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारा चालान काट रहे हैं, ये तुम्हारा पानी जा रहा है नाली में। मैंने बोला भी देखो गोबर तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली लगा रखी है, सुबह गोबर ले जाता है, और नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी, फर्ज हम नहाएंगे तो हमारा पानी तो वहीं जाएगा नाली में। भैया जी नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी, हमारा फर्श डालिया कोई, हमारा ईट वाला खड़ंजा नहीं, हमारा बिल्कुल फर्श डालिया। देखो हमारी डेयरी वर्गी सफाई किसी डेयरी की नहीं, आन के पड़ोसी भी हमारे बोल के गए, सामने रूई वाली दुकान वो भी बोल के गए, अभी जिनकी जितनी सफाई इतनी किसी डेयरी वाले की सफाई नहीं, बाहर भी हम झाड़ू लगा के रखते हैं गली में, ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी ये चालान काट रहे हैं, तो इनकी मर्जी है, ये जोर थोड़ा इनके आगे मुलाजमों ने, नहीं मेरे को कोई पता नहीं कितना चालान काट।